लॉकडाउन के बीच लोगों को दवाइयों की किल्लत को दूर करने के लिए जिला प्रशासन हमीरपुर ने अब घर द्वार पर ही दवाइयां उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है, जिसके चलते शहर के एक दर्जन के करीब केमिस्टों की मोबाइल फोन लिस्ट जारी की है, जो कि लोगों को ऑन डिमांड पर दवाइयां घर में ही उपलब्ध करवा रहे हैं। हमीरपुर में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आने के बाद शहर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी के चलते किसी भी प्रकार की आवाजाही पर पूर्णतया रोक है और ऐसे में लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतें पेश ना हो, इसके लिए प्रशासन दिन रात जुटा हुआ है। वहीं अब घर द्वार पर दवाइयां मिलने पर स्थानीय लोगों ने भी खुशी जाहिर की है। स्थानीय निवासी नीरज सोनी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान घर पर ही डिमांड पर दवाइयां मिल जाएंगी, ये बहुत ही बढ़िया निर्णय है। इससे बीमारी की हालत में लोगों को मेडिकल स्टोर तक नहीं आना पड़ेगा। स्थानीय निवासी ने जिला प्रशासन के लॉकडाउन के दौरान दवाइयों को घर पहुंचाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पहले दवाइयों की कमी हो रही थी, लेकिन अब घर द्वार पर ही दवाइयां मिलने से काफी सहूलियत मिलेगी। सर, ये बहुत अच्छी बात है कि मेडिकल स्टोर्स में जो सप्लाईज है वो आ रही हैं, जो घर घर पहुँच रही हैं, उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा और इससे कोरोना के अगेंस्ट काफ़ी अच्छी जंग लड़ सकते हैं हम। केमिस्ट अभिषेक गुप्ता का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन अब उन्हें घर द्वार पर दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में कोरोना मरीज आने की वजह से कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है, जिस कारण लोग घरों से ही नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसे में दवाइयां अब घरों पर भिजवाई जा रही हैं। ये जो दवाइयाँ घर घर पहुँचाने का निर्णय है, बहुत अच्छा निर्णय है। लोगों को मेडिकल इमरजेंसी तो कभी भी आ सकती है, किसी को कभी भी किसी दवाई की जरूरत पड़ सकती है। मोरेवर हम केमिस्ट लोगों ने ही लोगों को बोला था कम दवाइयाँ लीजिए, ताकि आपकी आपकी रेगुलर मिलती रहेंगी। अब सडनली जैसे हमीरपुर एक रेड जोन बन गया, कंटेनमेंट एरिया बन गया है, तो उनका आना मुश्किल हो गया है। ऐसे तो रेगुलर 7 से 10 तक आके लोग अपना सामान ले ही रहे थे, जितना उनको रिक्वायरमेंट थी, पर अब इस वजह जो ये प्रॉब्लम हुई है उसको हम कोप कर रहे हैं कैसे ना कैसे। जैसे लोकल MC सर्कल में तो हम दे रहे हैं, जो म्यूनसिपल कमेटी का एरिया है उसमें तो हमारे लोग जा रहे हैं, दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये जो बाहर के गांव हैं, इसमें हम कुछ ना कुछ तरीके से भेज रहे हैं, जैसे कभी पुलिस वाले दे जा रहे हैं, कभी होमगार्ड के दे जा रहे हैं, कोई ना कोई चल रहा है। जैसे 108 नंबर का 108 कौन सी होती है, वो कौन सी गाड़ी होती है, 108 ही है, 108 नंबर, हाँ 108 नंबर वो दे रहे हैं, 108 नंबर का ड्राइवर लेके जा रहे हैं, वो कर रहे हैं कैसे ना कैसे, कोशिश कर रहे हैं कि सब तक दवाइयाँ पहुँचें, लोगों को दवाइयाँ मुहैया करवाई जा सकें, कोशिश जारी है बस। भाई एक अन्य केमिस्ट अमित का कहना है कि लोगों के फोन आने पर घरों पर दवाइयों की डिलीवरी की जा रही है और इससे लोगों को सहूलियत मिल रही है। ये बहुत ही सराहनीय फैसला है कि घर घर जो है तो हम दवाइयाँ दे रहे हैं डोर स्टेप पे। इससे एक तो पेशेंट का जो पैनिक है वो खत्म हो गया, क्योंकि जिसने मेडिसिन खानी है BP के, शुगर की, सुबह उठ के उसको मेडिसिन चाहिए। अब सरकार या लोकल डिशन में बाहर मत निकलो, तो अगर उनके दवाई नहीं है वो तो बाहर जाएंगे जाएंगे। जब इनके फैसला ले लिया कि डोर स्टेप पे दो, तो हम बहुत खुश हैं और हम रेगुलर डोर स्टेप डिलीवरी कर रहे हैं। जो भी हमें फ़ोन आ रहा है थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन और डायरेक्ट, वो हम घर पे डिलीवरी कर रहे हैं और उससे पेशेंट भी खुश है, उसको मेडिसिन घर पे मिल जा रही है और हमें भी ठीक है, यहाँ पे पैनिक नहीं हो रहा है मार्केट में इकट्ठा। ऑनलाइन जो है फ़ोन पे आ रही है, व्हाट्सएप पे आ रही है? नहीं, ऑनलाइन फ़ोन पे भी आ रहा है, जो हमारे सर्च कर रहे हैं नंबर, एडमिनिस्ट्रेशन साइड में हमारा नंबर दे रखा है, तो वो हमें फ़ोन कर रहे हैं, फिर वो बता रहे हैं मेडिसिन, व्हाट्सएप कर रहे हैं पर्ची अपनी, प्रिस्क्रिप्शन हमें चाहिए होती है मेडिसिन की, तो व्हाट्सएप पे आ रही है, वो हम रिकॉर्ड में ले रहे हैं, उसका बिल बना के हम घर पे भेज दे रहे हैं। डिलीवरी कैसे करें आप? डिलीवरी हमें एक हमारे एम्प्लॉय को परमिट मिला हुआ है, तो वो स्कूटर में जाके डिलीवरी कराता है।